हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज का हमारा वीडियो है मूल्यांकन अधिकारी यानी इवैल्यूएशन ऑफिसर समीक्षा परीक्षा 2020 का पेपर। तो पेपर लगा था, संपूर्ण पेपर है 180 प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पेपर 23/8/2020 को लगा था, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो वो हुआ था बाबा हरिश्चंद्र के। नेक्स्ट है, निमोचना घटना कब घटित हुई? 14 मई 1925 को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ का नाम का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय दिया जाता है KM मुंशी को। नेक्स्ट है, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? वो है गागरौन किला। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे? वो थे मनरंग। नेक्स्ट है, देवनारायण जी की फड़के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है जंतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुच्छाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है गणेराव में। अगला क्वेश्चन है कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली अवस्थित है, तो वो कहाँ अवस्थित है? कोटा में। ऑफिशियल आंसर की जो दी गई थी उसके अनुसार आंसर बता रहे हैं जो बोर्ड ने माने। काव्य संग्रहण डाणी का आदमी का रचना है। डाणी का आदमी किसकी रचना? ये जयसिंह नीरज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वाल्लर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? वो है गर्सिया जनजाति से। नेक्स्ट, निम्न में से दादू के शिष्य नहीं है, तो कौन नहीं है? दयाबाई। अगला है, अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग की पर्वतीय चोटी है, तो कौन सी? डोरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर है, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में क्या होगा? सबसे पहले गुरु शिखर, फिर कुंभलगढ़, फिर दिलवाड़ा, फिर शेर और फिर अचलगढ़। नहीं, सॉरी, ये थोड़ा गलत बता दें। सबसे पहले गुरु शिखर, फिर कुंभलगढ़, उसके बाद दिलवाड़ा, फिर होगा अचलगढ़ और लास्ट में होगा शेर। ये ऑप्शन 2 माना था इसके अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? तो कौन सा? उरिया पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील डेबर झील के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जयसंबंध झील को। नेक्स्ट, नालीनुमा अपरदन सर्वाधिक पाया जाता है? तो कोटा में। नेक्स्ट है, कोपेन के AW प्रकार की जलवायु वाला जिला है? वह बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है? तो कहाँ होता है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? वो है साबी नदी का। नेक्स्ट है, अंतः प्रवाही नदी नहीं है, कौन सी नहीं है? कांतली नदी। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल संग्रहण क्षेत्र वाली नदी है? वो हो जाएगी बनास नदी। नेक्स्ट है, अशुद्ध युगम है, तो कौन सा? तालाब शाही बारा में। नेक्स्ट है, मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? वो पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदाएं या मिट्टियां पाई जाती है? तो वो पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट है, प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युगम है? तो अलवर और भरतपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है? तो मक्का उत्पादक है दक्षिणी भाग। नेक्स्ट है, प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सही युगम है?
तो बाजरा उत्पादक जिले हैं बाड़मेर और जालौर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पूछा है मोदी एल्काइन एवं केमिकल लिमिटेड भरतपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी? वो हुई थी सूती वस्त्र उद्योग की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए उपयोगी है? तो कौन सा है? ये सभी मृदा संरक्षण, अतिचारण नियंत्रण, वनोन्मूलन पर नियंत्रण। नेक्स्ट है, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकालीन की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण है? तो इसका क्या कारण है? वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टियां, वनस्पति की कमी। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नांकित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था? तो किसने? मदन लाल खुराना ने। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन है? मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं था या थी? तो कौन? जगन्नाथ पहाड़िया 1980 में। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो वो किया जाता है कार्य सलाहकार समिति के सदस्यों को। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? वो है वीरेंद्र कुमार सिंघल। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? वो हुई थी 48 स्थानों पर। नेक्स्ट है, निम्नांकित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? तो वो करता है मुख्य सचिव। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से कर्तव्यों का निर्वहन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है ए बी और सी तीनों के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? प्रधान पंचायत समिति का। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी? कुल संख्या की कितनी होगी? एक तिहाई। नेक्स्ट है, नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रसंगत किया जा सकता है? तो वो जिला न्यायाधीश द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान में नगर पालिका की वित्त समिति में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो वो 10 सदस्य। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो कौन करता है? जिला परिषद का प्रमुख। नेक्स्ट है, राजस्थान की रणनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में प्रयुक्त पुस्तक के लेखक कौन है? यानी सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक है विजय भंडारी। हम डेली क्लास लिखते हैं EORO की RPSC के द्वारा कराए, बेस्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखना, डेली क्लास की अपडेट मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 167। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सांबर वेट लैंड प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? वो है 100%। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा बिंदु 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शहरी सड़कें। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर भी राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो वो 40 सदस्य। नेक्स्ट है, निम्न में से
20 सूत्रीय कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की एक वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए? तो वो 2 बैठकें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतर्सत अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अंतर्कित पर्सन की सूचना दे सकता है? तो वो दे सकता है 1 पर्सन की। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में जुलाई 2020 न्यायाधीशों के पदों की कुल कितनी संख्या स्वीकृत है? तो वो है 50। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नांकित में से किस या किन जिलों के सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के सभी स्थान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है? वह है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो ये थे 53 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चन है। क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए बाकी के क्वेश्चन पार्ट 2 में आ जाएंगे, 54 से लेकर 110 तक नेक्स्ट में, और तीसरे पार्ट में 110 से 180 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।